चंबा के विकास खंड कार्यालय तीसा के अंतर्गत आने वाली 6 नई पंचायतों के भवन के लिए सरकार ने पैसा स्वीकृत कर दिया है। आपको बता दें कि इस खंड के अंतर्गत 53 पंचायतें आती हैं। इनमें 8 के करीब नई पंचायतें बनाई गई है, लेकिन पिछले काफी समय से बजट न होने के चलते इन पंचायतों के भवनों का निर्माण कार्य शुरू करवाने और जमीन उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी। वहीं अब प्रदेश सरकार की ओर से पैसा स्वीकृत कर लिया गया है। अब जल्द इनके भवन निर्माण के कार्य और जमीन विभाग के नाम तबादला करवाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। खंड विकास अधिकारी महेश चंद ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही पंचायत भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और जिन जिन पंचायतों के पास अपनी जमीन नहीं है वहां जमीन उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएंगे। जो नई पंचायतों के लिए वैसे सरकार के द्वारा जो है पैसा स्वीकृत धनराशि जो है स्वीकृत की जा चुकी है और उनका जो कार्य है वो एक्सिम धर्मशाला के माध्यम से जो RDD के बैठते हैं वहाँ पे उनके माध्यम से किया जाएगा। तो मैं एक्सिम साहब से जो है उसमें उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके जल्दी से जल्दी उस कार्य को हम शुरू करवाएंगे और कंप्लीट करवाएंगे। और जिन पंचायतों में भूमि का चयन नहीं हो पाया तो पंचायत में जाकर पंचायत वासियों से मिलकर उसकी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द चयनित हो, भूमि का चयन हो और विभाग के नाम हो ताकि धनराशि स्वीकृत की जा सके। इसके अलावा जो हमारी जैसे विकासखंड तीसरा में 8 पंचायतें नई बनी हैं जिसमें से 6 पंचायतों के लिए जो धनराशि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है और जल्द शीघ्र अतिशीघ्र उन पंचायतों के जो पंचायत घर का जो कार्य निर्माण कार्य है वो आरंभ करवाया जाएगा। आपको बता दें कि इस विकास खंड में 8 नई पंचायतें बनाई गई हैं जिनमें से 6 पंचायत का पैसा स्वीकृत हो गया है। वहीं अब जल्द से जल्द भवन बनाने के प्रयास किए जाएंगे ताकि हर पंचायत के पास अपना भवन हो सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से मंजूर पठान की रिपोर्ट।